अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में रात को चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक कार को रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने कार का पीछा किया तो कार खेत में उतर गई। जब पुलिस ने देखा दो बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए, जिनकी पहचान गाय तरसकों के रूप में हुई। इनके कब्जे से एक तमंचा, गाय काटने के छुरे आदि सामान बरामद हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भेजकर जांच शुरू कर दी। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना है कि आज दिनांक 1/2 की रात्रि में गोंडा की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में किनमासा नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी, तथा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार दूसरे रास्ते मुड़ के भागी तथा आगे जाके अनियंत्रित होकर एक रोड के किनारे खेतों में फंस गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा करते वहां पहुंचा और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा भी उनको ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, किंतु उसके उपरांत भी उनके द्वारा फायरिंग जारी रखी गई तो पुलिस टीम द्वारा भी संयमित रूप से आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की गई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मदीन पुत्र मुन्ना कुरैशी निवासी टप्पल बताया। गाड़ी की तलाशी में गाड़ी में गौकशी से संबंधित छोरे, रस्सी, सरिंज इत्यादि सामान बरामद हुए तथा घायल व्यक्ति को तत्काल ही चिकित्सीय सहायता के लिए पुलिस टीम के साथ सीएससी रवाना किया गया और मौके पर हुई इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर फील्ड की टीम को बुला करके अन्य आवश्यक नियमानुसार कार्रवाइयां कराई जा रही हैं।